नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आपने देखा होगा महरौली के अंदर सैकड़ों की तादाद में महिला, बूढ़े, बच्चों सब ने मिलकर देवी देवताओं को अपने मंदिर से बाहर निकाल दिया। उसका कारण बहुत बड़ा था कि रविदासी समाज की मांगे नहीं मानी गई। 19 तारीख को, 21 तारीख को दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत व्यापक आंदोलन हुआ और जिसके अंदर सरकार ने बिल्कुल उनकी मांगों को नहीं माना है। क्या कहते हैं आप कि रविदासी समाज के जो बच्चे नहीं आए हैं या 100 बच्चे जेल में बंद हो गए हैं, किस वजह से आप लोगों ने ये मंदिर से मूर्तियों को निकाला है? देखो, हमने सबसे पहले तो मैं यहाँ कह दूँ कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हम अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उस काम को कर रहे हैं। दूसरी बात, हम यहाँ अपना कोई भी वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, भगवान बुद्ध ने जो हमें दिया है, उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए हम उनकी बात करते हैं। हमारा जो रविदास मंदिर था वो 600 साल पुराना था। सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण हमारे मंदिर को तोड़ दिया और उसके बाद हमने जब अपने मंदिर की मांग की तो इस सरकार ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उल्टा जब जब हमने आंदोलन किए और उन आंदोलनों में हमारे बच्चों को इन्होंने ज़बरदस्ती उठा के बंद कर दिया। बंद करने के बाद उन्होंने फिर छोड़ा नहीं, वहीं पे नहीं रुकी, उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर कीमत में रविदास मंदिर बनवा के रहेंगे, तो उसके लिए हमें जो स्टेप उठाने पड़ेंगे उनके लिए हम तैयार हैं। और जब ये मनुवादी सरकार को हमारे हितों की परवाह नहीं है, वो वोट के टाइम पर जब कोई दंगे फसाद होते हैं उस टाइम पर हम हिंदू हो जाते हैं और वैसे हम हिंदुओं का अभिन्न अंग बोले जाते हैं, लेकिन जब ये सरकार बन जाती है, जब इनके सारी चीज़ें ठीक सुचारू रूप से चलती हैं, तो हम हिंदू नहीं रहते हैं, तब इनके लिए हम अछूत हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, तब हमें ये जातियों में बांट देते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, बाबा साहब ने 1935 में एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू समाज में पैदा हो गया ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात है। और बाबा साहब ने उसी प्रतिज्ञा के अनुसार इस धर्म को 1956 में अपने मरने से पहले 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती में धर्म परिवर्तन किया। कम से कम भी वहाँ पर 10 लाख अनुयायी बाबा साहब के साथ जिन्होंने धर्म को परिवर्तन किया, लेकिन हमारी मुहिम उसके बाद रुक गई क्योंकि बाबा साहब इस धरती पर नहीं रहे। और जब बाबा साहब नहीं रहे तो हमारी मुहिम रुकी और साहब काशीराम आए और साहब काशीराम ने इस मुहिम को चलाया। आज देश में दुनिया में बाबा साहब के मानने वाले और साहब काशीराम के मानने वाले लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। और अब हम आगे आने वाले टाइम में जैसे हमने इस रूढ़िवादी व्यवस्था को जो हमने अब आज तक ढोते आए हैं, आज तक हमने ढोया इसको, लेकिन अब हमने इन्हें सहसम्मान इनके घरों में वापस पहुंचा दिया है और अपने महापुरुषों को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को और साहब भगवान बुद्ध को, ज्योतिबा फूले को, अपने महात्माओं को अपने घरों में लाने का काम किया है। और इसके लिए हमारी सभी महिलाएँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं और अब उन्होंने भी कह दिया हम पाखंड की जो जड़ें हमारे अंदर समाई हुई थी उनको उखाड़ के फेंक देंगे। जी, हमारे साथ साथी भी हैं, क्या नाम है आपका? बलिराम। बलिराम जी, यूं तो बुद्ध का और बाबा साहब अम्बेडकर के मंदिर नहीं होता हुआ करते हैं, लेकिन आपने ये जो अम्बेडकर गौतम बुद्ध की मूर्ति को मंदिर में रखवा दिया, तो इसको कैसे आप पूरा करेंगे? इसको हम जो है पहले सबसे हम इस मंदिर का नाम जगह बुद्ध विहार रखेंगे और जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे संसार के अंदर ये फेमस है बुद्ध विहार, और बुद्ध के चरणों में हम समर्पित हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में समर्पित हैं, उनके बताए हुए वचनों पे चरण उन पे चलेंगे। मेरा नाम दीपक बोध है। दीपक जी, भगवानों की मूर्तियाँ निकाल के आज बुद्ध आए, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, और ये तो हमें शायद पहले करना चाहिए था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमेशा शांति का रास्ता दिया है और हम जो पाखंडवाद में फंसे हुए थे, और पाखंडवाद में कहीं मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, कहीं तोड़फोड़ होती है, कहीं क्या होता है, और भगवान बुद्ध का एक शांति का रास्ता था जो कि आज हमने वो रास्ता लगभग अपना लिया है और फतेहपुर बेरी में आज भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की जो है स्थापना हुई है। जी हाँ, हम तो यही कह रहे हैं कि हमारा जो मंदिर जो तोड़ा गया संत रविदास का, तो हमें जो बड़ा दुख हुआ उसका, और हमने बहुत दिन से हम इनके अंधविश्वास में चलते आ रहे हैं, इनको पूछता है लेकिन फिर भी हमारी कोई मानता नहीं है, तो हमने तो सबको छोड़ के हमने अपने बुद्ध धर्म को अपनाया है और हम तो इन्हीं के साथ रहेंगे। इन्होंने हमें रास्ता दिखाया है और बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखा, उसी दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और हमें शांति के प्रति रहेंगे। दीपक जी, हिंदू धर्म छोड़ के आपने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत पाखंडवाद है, बहुत ज़्यादा पाखंडवाद है। पहली बात तो आदमी की जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और कभी क्या त्यौहार, कभी क्या त्यौहार, कभी क्या पाखंड, कभी क्या पाखंड है। इसको जो तोड़ने के लिए जो मैं सबसे अच्छा रास्ता लगा वो भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का लगा, क्योंकि सब जानते हैं कि
गौतम बुद्ध पाखंडवाद से बहुत दूर थे और हमें गौतम बुद्ध की विचारधाराएं बहुत अच्छी लगी, इस वजह से हमने जो भगवान बुद्ध को अपनाया। सतवीर जी, यहाँ पे पहले मंदिरों में बहुत सारी मंदिरों की मूर्तियाँ लगी हुई थी, आज यहाँ हटा दिया गया है, बुद्ध की स्थापना हो गई है, क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? मैं सर इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो मंदिरों पर हमें वाल्मीकि समाज को और जाट समाज को ना तो इतने मंदिरों में अहमियत मिलती है और हमने अब इनसे मतलब देवी देवताओं से दूर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इनसे कोई वो नहीं रहा, हम बौद्ध धर्म अपनाना चाह रहे हैं। हमारे वाल्मीकि समाज और जाट समाज अब एकत्र हो गए हैं और हमारे जो रविदास जी का मंदिर तोड़ा है, ये जो हमारे साथ इन्होंने हमारे साथ में गद्दारी करी है, क्योंकि हमारा देश है, हम भारत है, हमारे सभी देश के लोग हैं, हमको यहाँ पराये नहीं है। हमारे 600 साल पुराना जो रविदास जी का मंदिर तोड़ा है, हम उसके उस समय हमने सारा बौद्ध धर्म अपना लिया है। हाँ, अब हमारे लोग अब बौद्ध की ही पूजा करेंगे और बौद्ध के धर्म पे शरण पे चलेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में है, सभी लोगों ने बुद्ध धर्म अपना लिया है। हाँ, ये सभी लोग बुद्ध धर्म अपना लिया है और ये बहुत ही बड़ा देश में बदलाव आने वाला है, ये इसका नतीजा अगले चुनाव में होने वाला है। ये हम गवर्नमेंट को भी सबक सिखाने वाले हैं, खासकर मोदी जी को, कि जो ये जो हमारे साथ में 600 साल पुराना जो मंदिर तोड़वाया है हाई कोर्ट में, ये रास्ते में जो मस्जिदें लगी हुई है, ये गुरुद्वारे बने हुए, उनको क्यों नहीं छेड़ रहे, उनको क्यों नहीं छेड़ना चाह रहे? एक हमारे जो एक साइड में मंदिर था, हम गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, हम वाल्मीकि समाज और जाट समाज को जो इस तरह से देखा जा रहा है दूसरे नजरिए से, हम उसके विरुद्ध में हम सारे लोगों ने आज बौद्ध धर्म अपना लिया है। सब एक है, हम सब एक है। ये बताना चाहते हैं कि आज यहाँ पे रविदासी समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर आया हुआ है और यहाँ पे जाटव समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, यहाँ पे वाल्मीकि समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, क्या कहना चाह रहे हैं कि आप? जी, बहुत बढ़िया लगा हमारे को, सब एक दो भाई हमारे एक हो गए हम जी, वो सबसे बढ़िया चीज है, हमको बहुत बढ़िया लगा जी। बस इनका कहना है कि बहुजन समाज के जितने भी थे, जाटव थे या वाल्मीकि समाज के थे, सब अब एक हो गए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सब आपका मेरा विजय रीता जी। आप कौन सी जाति से हैं? मैं वाल्मीकि समाज से हूं। वाल्मीकि समाज से हैं आप? वाल्मीकि समाज है, आज वाल्मीकि समाज छोड़ के आपने बुद्ध धर्म अपनाया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छी बात है जी, और हमारा अधिकार है ये तो जी, और आज अपने अधिकार लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग जी, हमें अच्छा लगा, महसूस हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा जी। आपके रविदासी समाज के मंदिर को नहीं बनाया गया, उसके उसमें आपने मूर्तियों को निकाला था, क्या था वो मूर्तियों का विषय? सर, जो अगर हमारे भगवान को नहीं मानेंगे, दूसरे भगवान क्यों माने जी, और हमारे तो कोई बहुत बड़े शक्तिमान जो बाबा रविदास पैदा हुए, उनका तो इतिहास है देश के अंदर, जो उन्होंने हमारा मंदिर तोड़ दिया, हमें देवता क्यों अपनाई है, बताओ, सीधी सी बात है क्या जी? जी, तो सीधी सीधी बात है जी। जी, आपको कैसा लग रहा है अब यहाँ पे बुद्ध आ गए हैं? तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, पूरा समाज आपके सामने खड़ा है जी, पूरा समाज में खुश। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि पूरे समाज की बात इन्होंने करी है, पूरे समाज की एक बार फोटो जरूर दिखाएं यहाँ पे, जो भी समाज है आज यहाँ देखेंगे, लाखों की तादाद के अंदर यहाँ पर लोग आए हुए हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और सबके चेहरों पर एक अलग सी चेहरों पर स्माइल दिखाई दे रही है। उसका कारण है कि बुद्ध ने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया था, शांति का पथ अपनाया था। बच्चों, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आज? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे तो बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे इस बात जी, के लिए जी, के गौतम बुद्ध की यहाँ मूर्ति हो, बाबा साहब की हो जी, और रविदास जी की हो, बहुत दिन से चाहते थे हमारे बच्चे, तो देवता तो इनने तोड़ दिया है, और हम इनके देवता क्यों पूजेंगे, हम अपने पूजेंगे, जिससे हम खड़े हैं, जिसके उससे हम खड़े हैं, हाँ बस पूजेंगे, हम तो हम तो मानेंगे अपने बुद्ध से, बुद्ध धर्म अपनाएंगे, हमने अपना रखा हाँ, समाज के आगे जी। हाँ, हम तो ये सोच रहे हैं, हम पहले से पूछते थे इनके देवतान को, तो वो भी अच्छा लगता था, तो अब लेकिन जब हमारे साथ अन्याय हो रहा था, हम बुद्ध धर्म को अपनाएंगे। सारे साथी हैं, हम लोग बात करेंगे, क्या नाम है साहब आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम जी, कैसा लग रहा है आज आपको, आपकी धरती पे बुद्ध आए? आनंदित हो गए हम आज। आनंदित हो गए आज, आत्मा आनंदित हो गई हमारी, आत्मा आनंदित हो। आज बहुत बढ़िया जी, आज का दिन बहुत बढ़िया चुना है, जो पाखंडवाद को छोड़कर हम बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं, और हमारा ही मूल धर्म ये है कि हम बौद्ध धर्म को ही अपनाएं, बौद्ध धर्म में ही रहे जी, और इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है हिंदुस्तान जी। सच्चाई है जी, इसमें कोई भगवान की कोई पूजा नहीं करनी पड़ती, सिर्फ और बाबा भगवान बुद्ध ने सिखाया कि जो कुछ है जी, पूजा पाठ में कुछ नहीं है, राम में ना सीता में ना हनुमान में, जो कुछ है बस भगवान बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म में है, आप कुछ कह रहे थे साहब? हाँ जी, बौद्ध धर्म हमने पहले से ही अपना रखा है, और हम पहले से ही बुद्धिस्ट हैं यहाँ पर, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये हैं जी, हाँ जी, सारे रविदासी हैं, और हमें जो है आज जो हमें बहुत अच्छा लगा, जो हमारे भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ रखी गई है। ये आपका? मेरा भरपाई है, भरपाई। भरपाई जी, आज आपके यहाँ पर बुद्ध का आगमन हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। जी,
बहुत बढ़िया। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 है जी। 60 साल है। आज से आपने बुद्ध धर्म अपना लिया है, तो पहले क्या अच्छा लगता था जब आप मंदिर में पूजा करते थे, अब अच्छा लगेगा? देखो जी अभी अच्छा लगेगा जी। हाँ। क्यों अच्छा लगेगा? देखो जी जब गरीब आदमी है, जब सब कुछ हो रहा, हमारा सब कुछ छिन रहे हो है, तो देखो अब अच्छा लगेगा हमें जी। आप कुछ कह रहे थे? सही बात है, और सही बात है। जब हमारे हमारे देवता को तो ये तोड़ रहे हैं और हम इनकी पूजा पाठ करें। चलिए बोलिए। हमारे देवता तो इनने तोड़ दिया है और हम इनके देवता क्यों पूजेंगे? हम अपने पूजेंगे जिससे हम खड़े हैं, जिसके उससे हम खड़े हैं। हाँ हाँ पूजेंगे हम तो, हम तो मानेंगे अपने बुद्ध धर्म अपनाएंगे। हमने अपना रखा, अपना रखा समाज के आगे। जी हाँ, हम तो ये सोच रहे हैं, हम पहले से पूछते थे इनके देवतान को, तो वो भी अच्छा लगता था, तो अब लेकिन जब हमारे साथ अन्याय हो रहा था, हम बुद्ध धर्म को अपनाएंगे। बस ये बस या हमारा बुद्ध धर्म मंदिर वहाँ बनवा दो, रविदास मंदिर बनवा दो हमारा, तो उसमें भी भलाई है, हम अपने बुद्ध धर्म को अपनाएंगे। जय भीम। आप करवा चौथ वगैरह का व्रत रखते थे, लेकिन बुद्ध और बाबा साहब के अंबेडकर के जो फॉलोवर हैं वो कभी भी इस तरीके के तीज त्योहारों को नहीं मनाते, तो अब क्या आने वाले टाइम के अंदर ये दिवाली होली दशहरा जैसी चीज़ें आप बनाएंगे, या करवा चौथ जो विशेष होता है महिलाओं का, वो आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो बताएँ? करवा चौथ मैं मनाती थी, अब तक मनाती आई हूँ। मैं बाबा साहब के मिशन पर काम कर रही हूँ और मेरी गुरु राजेश है, और उस मिशन पर मुझे उन्होंने बहुत कुछ समझाया है। आज के बाद मैं करवा चौथ तो क्या कोई भी हिंदू त्यौहार नहीं बनाऊँगा। कैसा लग रहा है आपको? आप बुद्ध के आए हैं, आपके हाथ में कौन सी किताब है, क्या है ये? बुद्ध और उनका धम्म, ये यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा किताबें बांटी गई हैं और सभी लोगों को ये दी गई हैं कि सभी लोग बुद्ध धर्म को अपनाएं और उसको फॉलो करें। आप इसको पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे वो बताएं? अपने मंदिर में रखेंगे। अपने मंदिर में रखेंगे, ठीक है। लेकिन मंदिर का जो आस्था थी वो तो अब आपने खत्म कर दिया? खत्म कर दिया, जब बुद्ध भगवान को अपना लिया तो उन्हें कुछ नहीं। अब बुद्ध 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 धर्म को अपनाएंगे। आप कुछ कह रहे थे? जय भीम जी। देखो हमें मोदी सरकार से बहुत उम्मीद थी, उन्होंने वादे किए थे कि हम किसी गरीब को चोट नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट मोदी सरकार ने गरीबों को ही पहुँचाई है, और उन्होंने यहाँ तक कि हमारा रविदास गुरु का मंदिर भी तोड़ दिया, और वो मंदिर तो तोड़ दिया और हमारे बच्चों को बहुत चोट पहुँचाई है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अब हम अपने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, अब हमें उस रास्ते से कोई हटाने वाला नहीं है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और आप देख ही रहे होंगे अभी जो 9 अगस्त को कोर्ट का एक डिसीजन आया, जो हमारे संत रविदास जी की जो 600 साल पुराना मंदिर है, जिसको कोर्ट के द्वारा ये मनुवादी सरकार बीजेपी सरकार ने जो गिराया है, उसके उपलक्ष्य में हम यही कहना चाहेंगे कि आज देश के अंदर, अभी आप यहाँ पे चला जाइए अक्षरधाम मंदिर पे, आप देखिए वो करीबन 100 एकड़ में ज़मीन में बना हुआ है, वो भी मंदिर आप देख सकते हैं, उसमें जाके आप पैसा लेके उस मंदिर में एंट्री होती है, जबकि हमारा 600 साल पुराना मंदिर जिसमें हमारे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसको ध्वंस से गिरवा दिया गया। आप कह रहे थे कुछ? हम तो यही कहेंगे जी, जो इस बीजेपी सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे संत रविदास जी का मंदिर के साथ जो तोड़फोड़ की है या हमसे ज़मीन छीन ली है, तो वो कितने भी हमसे ज़मीन छीन लें या हमारे संत महापुरुषों के अपमान करें, हम उसका 100 गुना अपने संत महापुरुषों को कर्ज उतारेंगे। जैसे कि आज हमने असोला गांव में एक रविदास जी की भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा को लगाया है, उसी तरीका से हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में हम इस तरह की मूर्ति रविदास जी की अपने संत महापुरुषों की लगाते रहेंगे। जब जब इस तरह की सरकार हमारे प्रति सोच रखेगी, हम करोड़ गुना उसको इसी तरीके से कर्ज उतारने का काम करेंगे। आज असोला के अंदर सैकड़ों की तादाद में बुद्ध धर्म को अपनाया है, आपने इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है, आप कैसा फील कर रहे हैं और कैसे इन लोगों को और मोटिवेट कर पाएंगे बुद्ध के लिए? देखिए सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो ठीक नहीं लिया है, ये मनुवादी लोग जी चाहे जहाँ पर छोटा सा पत्थर रख के, शिवलिंग रख के वहीं मंदिर की स्थापना कर देते हैं, जबकि हमारे शिरोमणि गुरु रविदास का तो मंदिर बना हुआ था। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को इतना भी नहीं दिखाई दिया? जन भावनाओं को
भड़काने का काम किया है, ये ठीक नहीं है। मैं माननीय महोदय से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से अर्दास करूँगा कि आप सम्मान समानता का ख्याल रखें और सबकी जनभावनाओं में एकता का रूप दें। मैं आपको बार बार सलूट करूँगा, आप व्यवस्था को चरमराए नहीं। मोदी जी को बस बुजुर्ग की अवस्था में मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीका से देश में सौहार्द बन सके, अपना सौहार्द कामयाब रखें, देश को बिखरने ना दें, टुकड़े टुकड़े नहीं होने दें। आप इस तरीका के कहानी करोगे तो सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ये छोटी जातें ये सोच रही हैं, ये मनुवादी सोच हमारे ऊपर प्रहार कर रही है। चाहे आपने किया भी ना हो, लेकिन आज देश के सामने जो बाधाएं सामने आई है, इससे हर दलित हर मनुवादी सोच के नीचे दब गया है। कृपा उनको उभारने का कोशिश करें और उनको जमीन देकर एक भव्य मंदिर की रचना रचें। अगर आपका भव्य नहीं मंदिर बनेगा तो क्या पूरे देश आंदोलन इसी तरीके से होता रहेगा? जी, आंदोलन रुकेगा नहीं। अगर वो अपनी जिद पर अड़ जाएंगे, सरकार के लिए कोई काम भारी नहीं होता, उसको जनभावनाएं पहले देखी जाती है और जनभावनाओं को कभी ठुकराया नहीं जाता। अच्छे राजा का कार्य ये होता है और अगर ये बातें हमारी नहीं मानी गई तो हम विरोध करेंगे इसका और जी जान से विरोध करेंगे, चाहे हमारे प्राण न्यौछावर हो जाए। हम अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं होने देंगे और ईंट से ईंट बजाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उन सब लोगों को जिन लोगों ने इस तरह की मुहिम को अंजाम तक पहुँचाया है, बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। वजह ये थी कि पता नहीं किस हिसाब से इन लोगों ने हम लोगों को इस तरह से जकड़ जाल में मकड़ जाल में फंसा रखा है कि लोगों के दिमाग में इतना डर पैदा इन देवी देवताओं के प्रति था। वो आज हमें बड़ी खुशी है उन लोगों के लिए, मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस मुहिम को अंजाम दिया है और उस बीमारी को हमारे दिमाग से बाहर निकाल दिया है। जी, आप भी कुछ कह रहे थे साहब? हम तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बहुत दुख हो रहा है, हमें दुखदाई है। हम ये चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार हो और इस फैसले को बदल करके रविदास मंदिर वहीं बनाया जाए ताकि समाज के सम्मान को ठेस न। आप सब जानते हैं आज एक हिंदू तथा कथित त्यौहार भी है जिसे आप लोग जन्माष्टमी मानते हैं और आज ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन श्री कृष्ण पैदा हुए थे। अब आप सभी लोग, मैं यहाँ कोई नया चेहरा नहीं हूँ, पहले भी आता रहा हूँ, क्या आप में से कोई भी ये चाहता है कि आपकी बेटी राधा बने, आपका बेटा कृष्ण बने? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। इसलिए ऐसे तथा कथित देवी देवताओं को जिनके कारण आपके अंदर भय बैठाया गया, उनको दूर निकालकर एक ऐसे ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रतीक जिन्हें प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है, बुद्ध को स्थापित किया गया है। दूसरा कारण हमारे रविदास गुरु घर जो है और बुद्ध शिक्षा विहार जो था उसको तोड़ा गया। अगर हम हिंदू नहीं हैं या हिंदू हैं तो हमारे ही मंदिर को क्यों तोड़ा गया, हमारे गुरु घर को क्यों तोड़ा गया? हमने कहा, लेकिन बाबा साहब ने आपसे पहले ही कहा था, बाबा साहब ने लंदन में एक बात कही थी कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं। अगर बाबा साहब के द्वारा ये सिद्ध हो जाता कि मेरे लोग भी हिंदू हैं तो हमें अलग से अधिकार नहीं मिलते, लेकिन बाबा साहब ने वहाँ ये कहा कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं, यानी कि बाबा साहब भी हिंदू नहीं थे और तुम भी हिंदू नहीं हो। तुम्हें बहकाया गया, पहले जब अनपढ़ थे तो काला अक्षर भैंस बराबर, आपने को जो बता दिया वो ठीक है। आज आप पढ़ने लिखने लायक हैं, आप पढ़ के कह देते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा लिखा है, लेकिन आज आपको पता चल गया कि वो सभी काल्पनिक हैं और इस दुनिया के वैज्ञानिक बुद्ध को यहाँ स्थापित किया गया है। और आने वाले वक्त में यहाँ जैसा भंते जी ने अभी बताया, सभी लोग आएंगे, पुष्प यहाँ बुद्ध को चढ़ाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और किसी प्रकार का पाखंड नहीं करेंगे। आपके घर से, आपके दिमाग से, आपके विचारों से वो पुरानी मानसिकता निकल गई है। नई मानसिकता ये है कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अनपढ़ रहने वाला व्यक्ति चाहे कितने मंदिर चले जाओ, चाहे कितने तीर्थ कराओ, कभी कलेक्टर नहीं बनेगा। कलेक्टर वो बनेगा जो कभी मंदिर ना गया हो और स्कूल गया हो। इसलिए आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, तभी बाबा साहब और बुद्ध की बात बनेगी, आगे बढ़ेगी। इसलिए सम्मानित साथियों, ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से उन्हें निकाल कर बुद्ध की शिक्षाओं को करें। अपने घर में, मैंने पहले भी कहा था जब मैं पहले आया था, किसी के घर में जन्मदिन है, बच्चे का नामकरण है, बच्चे का कोई शुभ अच्छा कार्य है, गृह प्रवेश है, भंते जी को बुलाइए,
अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाइए, क्योंकि अगर आपको कोई अच्छी चीज मिलती है तो आप सबसे पहले अपने घर ले जाते हैं। इसी तरीके से अच्छे विचारों को अपने घर में लाइए। हर हफ्ते एक भंते जी को अपने घर खाना को बुलाइए कि भंते जी हमारे घर खाना खाने आइए, संडे को या शुक्रवार को, सोमवार को, कोई भी दिन भंते जी आपके घर खाना खाने आएंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताकर जाएंगे। उससे आपके परिवार में शिक्षा की उन्नति होगी, और शिक्षा की उन्नति होगी तो आपका घर प्रगति की ओर उन्नत सर प्रगति सर होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, आज आपने एक ऐतिहासिक काम किया है। बाबा साहब की जो बात थी कि आपको हिंदू धर्म छोड़ना है, बौद्ध धर्म अपनाना है, इसके साथ साथ कभी फिर मौका मिलेगा। आज ये प्रतिमा बड़े भाई बालक राम बौद्ध जी की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ दी गई है। एक बार इनके लिए साधु साधु तीन बार बोलकर इनके लिए की कामना करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।